दुर्गा महाराज। वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। पुत्र केसरी, कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की माँ ही इतनी विनम्र हो सकती हैं। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है। जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की जय। कालेश्वर हनुमान की। कालेश्वर हनुमान की। स्वाहा।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। महाराज केसरी, आपके पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव बना दिया। अपने पिता को मृत्यु लोक से लेकर लौट आया। सत्य है ऋषिवर, विलक्षण है हमारा पुत्र। श्री कालदेव की ग्रास से मुझे मुक्ति दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। धन्य हो गया मैं ऐसा पुत्र पाकर। पितृ भक्ति का प्रतीक बने हैं हनुमान। अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का भी मंगल किया है। अपने प्रिय राजा को पुनः पाकर प्रजा उत्साह से झूम उठी है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उनके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाएंगे। वन के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हनुमान की सफलता का उत्सव हम अवश्य मनाएंगे। और अब निश्चित हो गया कि हनुमान सुमेरु पर कभी भी किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने देगा। ॐ इन्द्राय नमः। 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 नेत्र खोलो पुत्र वाली। प्रणाम देवराज। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझे तो लगा था आप कभी दर्शन नहीं देंगे। कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता पुत्र। कहो क्या वरदान चाहिए था? अधिक कुछ नहीं देवराज, मात्र एक वरदान चाहिए। यदि तुम अमरत्व मांगोगे तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मेरा अधिकार नहीं। देवराज मूर्ख नहीं है वाली, उसे ज्ञात है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। नहीं, अमरत्व नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कहो क्या चाहिए। मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होने का वरदान चाहिए।
बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसका कारण भी तुम ही तो हो हनुमान, तुम ही तो अपने पितराशि को मृत्यु लोक से लौटा कर लाए हो। मैं उत्सव की तैयारियां करता हूँ, वापस आता हूँ। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। महाराज ऋक्षराज की जय। 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 पधारिए महाराज ऋक्षराज। प्रणाम महाराज केसरी, आपका स्वागत है, पधारिए। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, इतना साहस और सामर्थ्य आपने कहां से पाया? जो इतना बड़ा दुष्कर कार्य कर दिखाया। हनुमान के समान शक्तिशाली? हनुमान का जन्म तो एक महान कार्य के लिए हुआ है, नारायण के कार्य के लिए। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें हनुमान के समान शक्तिशाली नहीं बना सकता। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते थे तो आप यहां आए ही क्यों? जाइए देवराज, और सभी को ज्ञात होने दीजिए कि देवराज इंद्र के वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके स्थान पर अन्य कोई भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो भी मांगूंगा। पुनः विचार कर लीजिए देवराज, आप वचन दे रहे हैं, पुनः पीछे मत हट जाइएगा। अवश्य तुम्हारी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है, मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए जिससे मैं प्राचीरों के उस पार जितना दूर चाहूं देख सकूं। अवश्य तुम प्राचीरों के उस पार देख सकोगे, परंतु केवल 100 योजन की दूरी पर। नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। आप मेरी दिव्य दृष्टि को सीमा में नहीं बांध सकते हैं, और यदि ऐसा है तो जाइए, नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। बाली हट उचित नहीं है, देवताओं पर भी बंधन है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए उसकी आधी शक्ति मुझमें समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। आपने वचन दिया है देवराज, मैं आपसे कोई दिव्य शक्ति नहीं मांग रहा हूं, मैं वाली महानतम वाली मात्र शुद्र वरदान का इच्छुक हूं।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। से युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले अनेक योद्धा हुए हैं, किंतु मृत्यु पर जय और मृत्यु को पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? केसरी नंदन महाबली हनुमान। मृत्यु लोक से अपने पिता को वापस ले आने का कठिन कार्य किसने संपन्न किया है? संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की। माँ, इतनी प्रशंसा से हनुमान को अत्यंत संकोच हो रहा है। मैंने तो मात्र वो किया है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। माँ, राजा हो या रंक, काल देव के चक्र से आज तक कोई नहीं बच सका है। एक क्षण को तो हमें लगा था कि हमने अपने प्रिय मित्र केसरी जी को खो दिया है। काल देव के अकाल मृत्यु के ताप को शीतल करने वाला कौन है? ये सामर्थ्य किस में है? ये मेरे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का परिणाम है कि मुझे हनुमान के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे निकट आओ पुत्र हनुमान। ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलकर मैं अपने पिताश्री को मृत्यु लोक से वापस लौटाने में सफल रहा।
आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। छल से मैंने देवराज इंद्र से वही प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था। हनुमान, मरकट, मेरा सबसे बड़ा शत्रु, अब तू मेरे साथ युद्ध कैसे करेगा? वाली को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। जब मैं तेरे सामने द्वंद करूंगा और तेरी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हाँ पुत्र हनुमान, विनम्रता, ज्ञान, साहस का अद्भुत उदाहरण हो तुम। तुमने जो असाध्य कार्य को साध्य बनाया, वो कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। ऋक्षराज महाराज जामवंत जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋक्षराज जामवंत। प्रणाम। प्रणाम जामवंत जी। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका स्वागत है। प्रणाम केसरी महाराज, आपको जीवन दान मिला, इतना सुखद समाचार पाकर भला मैं कैसे नहीं आता। महाराज केसरी, सभी अतिथिगण पधार चुके हैं, प्रजा भी उत्साहित हो रही है, अब समारोह आरंभ करें। किंतु गरुड़ों के राजा जटायु और नागराज पंचपन तो अभी तक आए नहीं। वे कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं कौन जानता है। नागों और गरुड़ों की तो चिरकाल से शत्रुता है। सत्य है, गरुड़ों और नागों को परस्पर युद्ध करने से अवकाश ही कहां मिलता है। संभव है यहां के मार्ग में वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और युद्ध प्रारंभ हो गया हो। उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं, तो फिर हमें मंगल ध्वनि से समारोह प्रारंभ करना चाहिए। और प्रतीक्षा नहीं, हनुमान, हनुमान चलो हम भी नृत्यकारों और वादकों के समीप चलते हैं, बहुत ही आनंद है नृत्य और संगीत में। प्रणाम ऋक्षराज काका जामवंत। यशस्वी भावा, पुत्र सुग्रीव, वाली कहाँ है, दिख नहीं रहा? वाली भैया तपस्या से लौटे नहीं है, देवराज से वरदान लेकर ही लौटेंगे। यदि बाली भैया भी यहाँ होते तो कितना आनंद आता।
बाली भैया अपनी तपस्या में अवश्य सफल होंगे, ये हनुमान का विश्वास है। अरे अरे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीत हो रहा है मेरा पुत्र वाली आ गया, जो तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त कर वापस लौट रहा है। वाली नहीं, ये तो पंचफन और पक्षीराज जटायु है। अरे ये क्या, जटायु पंचफन के साथ? महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय, महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय। प्रणाम। आप सभी को जटायु का प्रणाम। पक्षीराज महाराज जटायु और नागराज पंचफन पधार रहे हैं। नागराज और जटायु एक साथ, ये कैसा चमत्कार है? गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त हो गई, चिर शत्रु और परम मित्र बन गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। सबको लगा था कि वाली भैया आने वाले हैं, ये तो नागराज और पंचवन है, तो वाली भैया कहाँ है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म तपस्या भंग करती अमृत प्राप्ति का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कौन है वो आभागा जिसने लंकाधिपति दशानन रावण को चुनौती दी है? किसने यह दुस्साहस किया है? जिसने शिखर के पर्वत को तोड़कर मेरे तप में व्यवधान डाला है? जिसने मेरे हवन कुंड को सागर के अटल जल में गिराकर उसमें प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया? वो जो भी हो उसने बहुत बड़ी भूल की है। हनुमान, आ रहा हूं मैं तुझे परास्त कर तेरा संहार करने। आश्चर्य है, ये तो कोई महान योद्धा नहीं, एक साधारण वानर, एक और दुष्ट वानर। इस अधम वानर के जीवन लीला का अंत समीप है। इसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अपने इष्ट को स्मरण कर ले वानर, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा वध होने वाला है। रावण है हम पुष्प। ये तो बड़े ही सुखद समाचार हैं कि आप दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। किंतु ये सब हुआ कैसे? इसके कारण भी आप हैं हनुमान। आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया जिस पर मैं आज भी अग्रसर हूं। इसी कारण मैंने मेघासुर को बंदी बना लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो गरुड़ों और नागों के बीच घमासान युद्ध हो जाता। मेघासुर, मेघासुर जो किसी भी क्षण कहीं से भी अकस्मात प्रकट हो जाता। जब भी अपने विकराल सर्प रूप में आता तो उसके समक्ष पर्वत भी छोटा प्रतीत होता। जीव जंतुओं को उसके आने की भनक लगती और वे अपने आप को रक्षित कर पाते। इससे पूर्व ही वो दुष्ट अपने केवल एक श्वास मात्र से उनका शिकार कर लेता। मेघासुर की विषाग्नि से न केवल जीव जंतु मर रहे थे अपितु नदी व सरोवर भी पूरी तरह से विषाक्त होते जा रहे थे। इसीलिए उस पशु पक्षी संहारक मेघासुर को रोकना आवश्यक हो गया था। मेघासुर को पकड़ना अत्यंत कठिन था, किंतु मैंने अन्य नागों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। पंचफन ने मेघासुर को बंदी बनाकर हम पक्षियों की रक्षा की है, हम पर उपकार किया है। तभी हमने निश्चय किया है कि ऐसी शत्रुता का कोई लाभ नहीं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात तो और हो ही नहीं सकती।
आप दोनों की मित्रता सदैव बनी रहे। हनुमान चलो ना, कितना मधुर संगीत है। हाँ आओ ना, चलो उधर तुम भी एक गीत सुनाओ ना। मित्रों, मैं मृत्यु लोक जाकर मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ, किंतु गीत गाना। नहीं नहीं, अब बात बनाकर नहीं बचोगे। चलो शीघ्र चलो और गीत सुनाओ। सब लोग कितनी उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। सुनाओ ना। गाओ, गाओ, सुनाओ ना हनुमान। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। सुनाओ ना। गाओ हनुमान। सुनाओ ना हनुमान। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। मैं हनुमान तुम्हारे समक्ष अपनी वरदानी शक्ति से तुम्हारा अभिमान तोड़ने। दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम शंकराय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जटाधराय गंगाधराय। दिमक डिम, दिमक दिमक डिम, दिमक दिमक डिम शंकराय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जटाधराय ओम गंगाधराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो देवाय, नमो देवाय, नमो देवाय। पुष्पाभिमान कैसे रुक गया? ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वरुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद। ये क्या
हनुमान अपने गीत में इतना बह गया था कि हनुमान को ध्यान ही नहीं रहा कि संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या की वेला हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया। वानर, तू वही मूर्ख ना जिसने दशानन रावण की तपस्या में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम जो भी हो मेरा समय व्यर्थ ना करो, अन्यथा कठोर दंड के भागी बनोगे। वाली अभी संध्या वंदन के लिए जा रहा है। तू मुझे दंड देगा। तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं, और मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। मरकट से पूर्व ही इस मूर्ख पर अपनी वरदानी शक्ति के परीक्षण का अवसर मिला है। भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी आधी शक्ति अब मेरे पास आ चुकी है। अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहां से चले जाओ और हमें शांति से संध्या वंदन करने दो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। किष्किंधा के युवराज वाली को कभी भी कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। मुझे आशा है कि तुम समझ गए हो। अब तुझे आभास होगा दुष्ट माना है।
इस मूर्खतापूर्ण युद्ध के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे संध्या वंदन करना है। संध्या वंदन समाप्त हो चुका है, इसलिए आज के सभा की प्रयोजन की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम चारों ओर से दुष्टों और पापियों से घिर रहे हैं, अतः उनसे अपनी सुरक्षा और उनसे लड़ने के लिए हमें एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर अपना एक ऐसा मुखिया, एक ऐसा महानायक चुने जो हमारी रक्षा एवं हमारा मार्गदर्शन करे। जटायु अत्यंत बलशाली हैं, परंतु उनके कंधों पर उनके भ्राता का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व है। पंचफन बुद्धिमान है, परंतु नाग समूहों में अनेक दुष्ट और विषैले नाग हैं, जिनको नियंत्रण में रखने में उनकी संपूर्ण ऊर्जा व्यय हो जाती है। मैं स्वयं बलशाली हूँ, परंतु वृद्धावस्था में हूँ। हम में से कोई भी उपयुक्त नहीं, परंतु हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करने में सक्षम है, जिसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया है, और वो है संकट मोचन महाबली हनुमान। किंतु हनुमान तो मात्र एक अबोध बालक है। पुत्र हनुमान, आप ही हमारे महानायक बनने के योग्य हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, इस उपाधि को स्वीकार करें। वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं।
जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे उन्हें उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। राजबली, मैं तो आपके साथ मित्रता करने आया था। राजबली, किंतु आपने तो मुझे शत्रु समझ लिया और शत्रुता व्यवहार कर रहे हैं। यह वानर अति शक्तिशाली है। इसका उपयोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। राजबाली, मैं लंकेश दशाननाथ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। मित्रता? कैसी मित्रता? तुम मेरे किस काम के? मेरा शत्रु है हनुमान और उसका संहार मैं स्वयं कर सकता हूं। तुम्हारी मित्रता से मुझे क्या लाभ होगा? उचित कह रहे हैं आप युवराज बाली, उचित कह। आप महाबलशाली हैं, अधिक बल है आपकी भुजाओं में, किंतु हम दोनों का शत्रु वो वानर बालक अत्यंत चतुर है। वो यदि उसका अंत करना है तो आपको बल के समक्ष मेरी माया की शक्तियों की भी आवश्यकता है। मेरी मित्रता का हाथ स्वीकार करिए। लंकापति दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। प्रणाम कालनेमी, ये हमारे मामा कालनेमी है। युवराज बाली को प्रणाम। बोलो कालनेमी, बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है, क्या समाचार? निश्चिंत होकर कहो, युवराज बाली तो हमारे मित्र हैं। समस्त वनवासियों के राजाओं ने उस वानर बालक हनुमान को अपना महानायक चुन लिया है। अब उसे समाप्त करना और कठिन हो गया है लंकेश। क्या कह रहे हो कालनेमी? युवराज वाली के होते हुए वो वानर बालक महानायक बन गया। बहुत ही अनुचित हुआ है कार्य में, बहुत ही अनुचित। ये तो अंधेर है, घोर अन्याय हुआ है आपके साथ युवराज बाली। आप ये कैसे? यदि आप चाहें युवराज वाली, तो अब भी लंकेश दशानन रावण की मित्रता का हाथ आप थाम सकते हैं। हनुमान को समाप्त करने का समुचित बल है मेरे पास, और उसमें मुझे और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। देखो, दिखाता हूं उसका प्रमाण मैं।
मैंने बहते जल के प्रवाह को बांध दिया है, अब यहाँ जलाशय बनेगा और फिर मैं उस बांध को तोड़ दूंगा। ये बहते जल का प्रवाह सुमेरु में महाप्रलय का कारण बनेगा और सुमेरु बह जाएगा इस जल के प्रवाह में। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन अकाल दुकाल ना टारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, जो हनुमंता हाथ कहो तुम, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, भाग बड़ो केसरी अंजनी को, तुम सूत काल को जीतन वारो, तुम सूत काल को जीतन वारो, यक्ष वीर तुम वज्र धीर तुम, प्रेत लोक तुम तारनी हारो, प्रेत लोक तुम तारनी हारो, देव मुनि सब के हितकारी, जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, शंकर सुवन ब्रह्म के भावन, माँ गौरा के प्राण प्यारो, माँ गौरा के प्राण प्यारो, भानु शिष्य और चंद्र मित्र तुम, शनि से मुक्ति दिलावन हारो, शनि से मुक्ति दिलावन हारो, सृष्टि सकल एक तेरी शरणा, सृष्टि सकल एक तेरी शरणा, है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अब इस जल प्रवाह में बह जाएगा वो मरकट और उसका सुमेरु।
रात्रि के पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए, अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। हनुमान, मैं भी पता लगाता हूँ।